रंगों का पर्व होली नजदीक आते ही बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। बाड़मेर के बाजारों में विभिन्न जगहों पर दुकानदार रंग बिरंगे कलर पिचकारी व गुलाल से स्टॉल सजा दी गई हैं। इस बार कई नई वैरायटी की पिचकारियां बाजार में आने से दुकानदारों और बच्चों में उत्साह नजर आ रहा है। अब जब होली के त्योहार के लिए 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है तो बाजार में भी रौनक छाने लगी है। खासकर कपड़ों का बाजार सज चुका है। पिचकारी, गुलाल और कपड़े विभिन्न रेंज में उपलब्ध है। पिचकारी 100 और 200 रुपए से लेकर 4 से 5 हजार रुपए तक की कीमत में मिल रही है। लोग कपड़ों में सिर्फ रेडीमेड ही नहीं बल्कि कपड़े खरीदकर सिलवाने को भी दिलचस्पी ले रहे हैं। नए कपड़ों का क्रेज महिलाओं और बच्चों में अधिक देखा जा रहा है। रंगों का त्यौहार होली खेलने को बेचैन शहर के लोगों का इंतजार अब बस महज 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा। बाजार में बिक्री अलग अलग खुशबू वाली गुलाल की मांग अधिक है। व्यापारियों के अनुसार होली पर अधिकांश व्यापारी सहित आम जन भी अच्छी क्वालिटी वाली गुलाल की मांग कर रहे हैं। हालांकि होली पर मस्ती और एक दूसरे को रंग लगाने के लिए लोग अभी से तैयारियों में जुटे हैं। बाजार में रंगों की दुकानें भी सज गई है। इस बार लोगों में तिलक होली खेलने के लिए हर्बल गुलाल की मांग ज्यादा है। कलर की बिक्री बहुत ही कम हो रही है। शहर के मुख्य बाजारों में भी लगने वाली दुकानों पर पक्का रंग बहुत कम ही बिकता नजर आ रहा है। अधिकांश दुकानों पर गुलाल ही देखने को मिल रहा है।